स्वामी प्रसाद मौर्य, यह सबसे बड़ा गद्दार है। गधा की पिशाब एक बोतल में कुत्ता की पिशाब, कहे इसको सुबह शाम दो दो ढक्कन पिलाते रहिए, हो सकता है खुल जाए। अब यह कम से कम 5-6 साल सेवन किया उसका, और उससे इसके बोल जहरीले हो गए। अब अगर ये 1-8 साल तक गाय के गोबर से स्नान करें और गोमूत्र का जो है कम से कम दिन में 5 बार सेवन करें, तो हो सकता है कि इसकी याददाश्त पहले वाली आ जाए, जो सनातन वाली है। अब अखिलेश यादव भी इस बात को धीरे धीरे भांप रहे हैं, वो समझ गए हैं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य है नहीं किसी का, क्योंकि जहां रहा उसकी लुटिया डुबाया है। तो इसलिए धीरे धीरे बहुत जल्दी ही वो भी दूध में मक्खी की तरह इसको निकाल के फेंक देंगे। कोई इसको गधा कहते थे, कोई इसको कुकुर कहते थे। जी, आप हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार कर रहे हैं, एक नया अल्टीमेटम आपका फिर आ चुका है, और पूर्व से भी आप लगातार आंदोलन करते रहे हैं, कभी जल समाज की बात किए हैं तो कभी आप सरकार का घेराव करते रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर। लेकिन ऐसे में हमारे हिंदुस्तान में ही एक नेता जो लगातार रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी करते हैं, तो कभी हिंदू और सनातन धर्म को छोटा बताते हैं, तो ऐसे में कैसी आपकी मंशा सफल हो पाएगी, कैसे हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? देखिए, दरअसल में स्वामी प्रसाद मौर्य यह सबसे बड़ा गद्दार है, और यह ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसमें ना गया हो, और हर पार्टी के साथ गद्दारी किया है। हालांकि इसने अपनी बेटी को भाजपा में छोड़ा है, क्योंकि जानता है कि बेटी जो है का सम्मान भाजपा में ही सुरक्षित है, बाकी और कहीं इसको अच्छा नहीं लगा, नहीं भेज दिया होता दूसरी जगह। हमने ये सोचा कि आखिर ये लगातार सनातन विरोधी हिंदू विरोधी बात क्यों करता है। ज्योतिष देखा मैंने, तो ज्योतिष में निकला है कि ये बचपन में बड़ा मंद बुद्धि रहा, अत्यंत मंद बुद्धि होने के कारण गांव में लोग इसके माता पिता को चिढ़ाते थे, कहते थे तुम्हारा लड़का बड़ा मंद बुद्धि है, कोई इसको गधा कहते थे, कोई इसको कुकुर कहते थे। तो इसके पिताजी जो है पता लगाने लग गए कि इसकी बुद्धि बढ़ाई कैसे जाए, तो एक मौलवी के पास गए। मौलवी हकीम टाइप के थे, तो उन्होंने क्या किया कि गधा की पिशाब एक बोतल में कुत्ता की पिशाब, कहे इसको सुबह शाम दो दो ढक्कन पिलाते रहिए, हो सकता है खुल जाए। अब यह है कम से कम 5-6 साल सेवन किया उसका, और उससे इसके बोल जहरीले हो गए। तो ज्योतिष के हिसाब से हमने देखा कि सारी मानवीय गुण जो इसके थे वो खत्म हो गए हैं। यही कारण है कि ये हिंदुओं से नफरत करने लगा और ये हिंदू विरोधी बात करने लगा है। अब अगर ये 1-8 साल तक गाय के गोबर से स्नान करें और गोमूत्र का जो है कम से कम दिन में 5 बार सेवन करें, तो हो सकता है कि इसकी याददाश्त पहले वाली आ जाए, जो सनातन वाली है। पूरी इसका जो है ना देश विरोधी मानसिकता हो गई है। तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, कभी सद्बुद्धि आए तो गोमूत्र का पान करना चाहिए इनको। पा मुलायम के साथ ही साफ हो गई। अब अखिलेश यादव भी इस बात को धीरे धीरे भांप रहे हैं, वो समझ गए हैं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य है नहीं किसी का, क्योंकि जहां रहा उसकी लुटिया डुबाया है। तो इसलिए धीरे धीरे बहुत जल्दी ही वो भी दूध में मक्खी की तरह इसको निकाल के फेंक देंगे। अभी तक उनको ये लग रहा था कि भाजपा से आया है, तो हो सकता है कि यह है सपा का कुछ वो आगे बढ़ाए, लेकिन इसके रवैये से वो देख रहे हैं कि कभी रामायण का विरोध, कभी भगवान का, कभी संतों का, और वो उनको लग रहा है कि आने वाले समय में जमानत जब्त करा देगा सबकी। तो इसलिए सपा से भी इसको बहुत जल्दी निष्कासित किया जाएगा। ऐसे में आपकी जो कहीं कहीं जो ज्योतिष है क्या कहती है कि कब तक इनको पार्टी से निकाल देंगे? ये मेरा ज्योतिष में हम देख रहे थे, तो अंदर अंदर से तो सपा के लोग इससे नाखुश हैं, सारे लोग नाखुश हैं। अब खिचड़ी पक रही है, पहले तो लोग सोचते हैं चलो कुछ कचरा है भी पड़ा रहना चाहिए, सारा पड़ा रहा है, लेकिन अखिलेश को इस बात का जो है वो भाप गए हैं कि यह सपा के लिए जो है तो बेहद खतरनाक व्यक्ति है, और सपा का वोट बैंक काम कर रहा है। तो इस वजह से अखिलेश भी इसको अब मौके की तलाश में है, बहुत जल्दी इसको हटाएंगे। जिसका बचपन में इलाज ही गधा के मूत्र से और कुत्ते के मूत्र से हुआ है, वह व्यक्ति से क्या अपेक्षा की जाए? ज्योतिष देखने के बाद मैं भी शिथिल पड़ गया। हमको लगा कि जब इसकी मना स्थिति ही विकृत है, तो इसके लिए तो अब यही एक ही उपाय है कि गोमूत्र इसको पिलाया जाए, अब गाय के गोबर से काफी दिन तक इसको स्नान कराया जाए, तो हो सकता है कि ये कुछ जो है रास्ते पर आ जाए। इस वजह से हालांकि राक्षसों का वध तो हमारे प्रभु श्री राम ने किया, भगवान कृष्ण ने किया, माता दुर्गा ने किया, हनुमान जी ने किया, तो जो राक्षस बन जाएगा, तो राक्षसों के वध की तैयारी तो हम लोग रखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो भी देख लेंगे।